फ्रेंड्स, आज मसाले वाला पनीर बनाते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, उसे बॉईल कर लिया है। फिर उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है। इन्हें डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है दूध में। फिर मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है, ये मैंने ढक्कन में लिया था, एक ढक्कन, और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक बार में सारा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप सारा डालोगे तो आपका पनीर हार्ड हो जाएगा, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना। और जब दूध हल्का हल्का फटने लगेगा तो चलाते रहना और फिर गैस को ऑफ कर लेना। और फिर एक छलनी में कपड़ा बिछाना, कोई भी मलमल का कपड़ा बिछा लेना कोई छलनी लेके, और उसे छान लेना सब पनीर को। बहुत गर्म गर्म होगा तो अपने ध्यान से छानना फ्रेंड्स, अपना हाथ मत जलाना आप, तो उसे छान लेना। आप किसी कटोरी से इसे दबा लेना जिससे कि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। हाथ से दबाओगे तो आपका हाथ जल सकता है, तो इसलिए कटोरी से दबा लेना। मैंने भी ऐसे ही किया था, तो इसको दबा दबा के इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे हम। फिर फ्रेंड्स क्या करना है कि एक बॉल लेना, उसमें ठंडा पानी डालना, जितना ठंडा पानी हो सके उसे जल्दी से डाल देना इसके ऊपर, जिससे ये पकना बंद हो जाएगा अंदर से और पनीर हमारा ठंडा हो जाए। तो इसे अच्छे से डाल लेना और इसे निचोड़ लेना पानी को। फिर इसे निचोड़ के इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देना आप। मैंने तो चकला रख दिया था, तो आप भी चकला ही रख लेना, पत्थर का चकला हो या कुछ और वजन रख लेना, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा और ये अपनी शेप भी पकड़ लेगा थोड़ी। तो ये निकल गया इसका पानी और ये ठंडा हो गया है। तो मैंने 10 मिनट बाद इसे खोल लिया था और देखो ये थोड़ा टाइट भी हो गया है। तो अब इसे अपनी मनचाही शेप में काट लेंगे। देखो मैंने अपने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था ऐसे अच्छा सा, तो आप लोग भी इसी तरह से काट लेना इसे। जौन सी भी शेप आपको अच्छी लगती होगी वैसे काट लेना। फिर इसके ऊपर से चाट मसाला और नींबू डाल के इसे एंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।